बिहार में शराबबंदी है, तो दूसरी तरफ शराब माफियाओं का ऐसा तांडव है कि मतलब शराब की बड़ी बड़ी खेप मतलब जाते आते हैं लेते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि मधुबनी जिला के एक ऐसे थाना है जहाँ पे भड़क लगते ही शराब माफियाओं का खैर नहीं रहता है। हम हाल ही घटना बताएंगे, अभी रात की, आज जो कल कहा जाए कल वाली रात थे, रात में भारी मात्रा में रूपपुर थाना के जितने भी दलबल है, थाना अध्यक्ष के टीम बने थे, उसमें गुप्त सूचना मिली है, उनको भारी मात्रा में शराब बरामद की है। 365 लीटर कहा जाए कि शराब, बड़ी खेप शराब है। सो एक झोपड़ी में बगीचे के, इसी तरह के बगीचे थे कस्बा में, इसी थाना के अंतर्गत पड़ते हैं, कस्बा गांव है फुलवरिया के सटे हुए, जो उत्तर गौर अंधरा पंचायत पड़ता है, वहाँ पे गुप्त सूचना मिली थी, बसवा वहाँ पे गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब आए हैं। जैसे ही थाना प्रभारी को सूचना मिलती है, अपने दल बल के साथ, टीम के साथ, वहाँ को, वहाँ से शराब माफिया तो नहीं धराए, लेकिन शराब जैसे रखा था पूरे शराब को बरामद कर लिया गया है। तो हम यही कहते हैं, शराब जिस तरह से लोग सेवन करा, और बिहार में शराबबंदी कानून है उसका उल्लंघन करे, बहुत सारे शराब माफिया है ऐसे, लेकिन रुद्रपुर थाना इस पे नकेल कसने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे सूचना मिलती है फौरन पहुंच जाते हैं, इसमें इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि इतने बड़े खेप शराब पकड़े हैं। वैसे थाना प्रभारी उन्होंने बताया है कि हमारे क्षेत्र में हम चाहते हैं कि अमन चैन बने रहे और शराब माफियाओं खैर नहीं, अगर शराब माफिया अपने कारोबार नहीं छोड़ेंगे तो उनका घर जो है सलाखों के पीछे होगा। हमने सचेत किए हैं, सबको अलर्ट किए हैं, और हम चाहते हैं वैसे हमारे थाना क्षेत्र में इस तरह के नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई कर रहे हैं तो उनका खैर नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।